बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिज्ज़ा पाई बना रही हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, बना लिया है पिज्ज़ा की तरह ही डो बनाना है। पिज्ज़ा वाली रेसिपी में देख सकते हैं मैंने कैसे डो बनाया था। इसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट जो चाहिए हैं, ये मैं थोड़ा सा ऑनियन लिया है, थोड़ी सी मैंने ये शिमला मिर्च ली है, और एक टमाटर लिया है जो मैंने ये पतले पतले स्लाइस काट लिए हैं। और ये मुझे चीज़ चाहिए है, मोर्सेला चीज़ और चेडर चीज़, और साथ में जो चिल्ली फ्लेक्स चाहिए हैं, ओरेगानो चाहिए है, और ब्लैक पेपर। ये मैंने अपना ऑयल हीट कर लिया, आप कच्ची भी सब ये डाल सकते हैं, कच्चा ऑनियन और पेपर, लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करके फिर डालूंगी, थोड़ा फ्राई करा सा कूल डाउन करके, तो फिर मैं ये अपने पिज्ज़ा पाई में डालूंगी। बस मैं इनको हल्का सा फ्राई करती हूँ, फिर थोड़ा सा ठंडा करके, तो फिर मैं अगला प्रोसेस करेंगे। करते हैं, ये मेरा फ्लावर है, इसको थोड़ा सा हवा निकाल दें इसकी, इसको मैं 250 में कर लूँगी, और थोड़ा सा मुझे ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहिए है, वो मैं उतार लूँगी ऐसे, और इसको मैं 250 में कर लेती हूँ। ये मुझे 2 चाहिए हैं, चले मुझे, तो इसको मैं रोल करती हूँ। मेरा एक रोल हो गया, इसको मैं ट्रे में शिफ्ट करती हूँ। मैंने ग्रीस प्रूफ पेपर उसको ग्रीस कर लिया। टमाटो प्यूरी, इस पे हम डालते हैं अपनी सब्जियाँ, इसको स्प्रेड कर देते हैं अच्छी तरह। साबुत ही रखा था टमाटो को, टमाटो को फ्राई नहीं था किया, बस ओनियन और पेपर को फ्राई किया था, तो अब बस चीज़ डालना है इसके ऊपर। ये मेरा चेडर चीज़ था, मैं थोड़ा सा मोर्सेला चीज़ भी डालूँगी। इसकी मेजरमेंट नहीं है, आप जितना डालना चाहें टेस्ट के हिसाब से, आपने वेजिटेबल भी आपने कोई और ऐड करनी है, आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं, कीमा भी डाल सकते हैं, आप आपकी अपनी चॉइस है, आप जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। चिल्ली फ्लेक डालते हैं, ब्लैक पेपर डालते हैं, ओरेगानो डालते हैं, ओरेगानो। चलो अब हम एक और रोल करते हैं, सेम साइज की हमें चाहिए, उसके ऊपर हमने उसको कवर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको जोड़ देना है, फोल्ड कर देंगे हम एजिस को। इसको मैंने फोल्ड कर दिया, एग मैंने एक बीट किया, उसके साथ इसको ब्रश करते हैं। चलें जी, ये मेरा ब्रश हो गया सारा, अब मैं इसके ऊपर के साथ ये जो मैंने थोड़ा सा रखा था इसको मैं रोल करती हूँ। इसको पतला सा रोल करना है, बिल्कुल पतला सा रोल करके, तो फिर इसको मैं शेप्स काट लूँगी, ऊपर लगाने हैं स्टार्स है, हार्ट है, तो ये मैं काटती हूँ। इसी तरह मैंने अपनी शेप्स काट ली हैं, अब इनको हम इसके ऊपर स्टिक करते हैं। गवाश लगी हुई है, ये मिडल में मैंने एक बड़ा स्टार कर दिया है छोटे, इसके अब इनके ऊपर है गवाश कर देते हैं, और इसको मैं पे 200 पे तकरीबन 20 मिनट, जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। ये मेरी पाई रेडी है, माशाल्लाह बड़ा ब्यूटीफुल कलर आया है इसके ऊपर, ये देखें काटा है मैंने इसको, और नरम है ये, देखें कैसी नरम और हस्ता बनी है। तो आप भी बनाइएगा, उम्मीद है आपको पसंद आएगी, तो
तो फिर बताइएगा आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ।